स्केल और जो है अब लॉन्च हो गया है, गोल हैन V1.1 लोडेड। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट अपने प्ले स्टेशन पे मोस्ट स्टेबल जेल ब्रेक को 7.55 फर्मवेयर पे एनेबल कर सकते हैं। अब जाकर हम कोई भी गेम को प्ले कर सकते हैं। What's up guys, this is Akrashi, welcome back to the video guys. Finally after a lot of research मैंने अपने PlayStation 4 के लिए 7.55 firmware पे most stable jailbreak को find out कर लिया है। और आज इस वीडियो में आपको मैं उस jailbreak को enable करके दिखाऊंगा 7.55 firmware पे, और then उस पे कुछ आपको games को play करके दिखाऊंगा। वीडियो बड़ी interesting होने वाली है, एंड तक देखिएगा। और guys आने वाली वीडियो में मैं आपको इस मोस्ट स्टेबल जेल ब्रेक को 7.55 फर्मवेयर पे कैसे इंस्टॉल करना है वो भी दिखाऊंगा, ताकि आप भी कंटिन्यूअसली गेम्स को एंजॉय कर सकें। आज से पहले जितने भी जेल ब्रेक्स आए उनमें कोई ना कोई इशू आ रहा था, स्टेबिलिटी इशू आ रहा था जब आप उसको एनेबल करने जाते थे 7.55 फर्मवेयर पे। तो गाइस वो आपका प्ले स्टेशन 4 रिस्टार्ट कर जाता था, बार बार रिस्टार्ट करता था, और आखिरकार आप तंग आके गेमिंग से गिव अप कर देते थे। आज इस जेल ब्रेक के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसमें किसी किस्म का वैसा इशू नहीं होगा, आपका कहीं 0.5% में जाकर कभी कभार रिस्टार्ट कर जाए अलग बात होगी, नहीं तो गाइस आप जब भी इसे एनेबल करेंगे जेल ब्रेक को वो हमेशा आपका एनेबल हो जाएगा और आप गेम्स को कंटिन्यूअसली एंजॉय कर पाएंगे। क्रोनो रोड गिटर वाला जो जेल ब्रेक था स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा स्टेबल था, बाद में आने वाले यूजर्स जो बाद में उसको इंस्टॉल कर रहे थे उनके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो जब भी अप्लाई करने जाते थे तो उनका प्लेस्टेशन 4 रीस्टार्ट कर जाता था। तो गाइस आज इस वीडियो में जिस जेल ब्रेक के बारे में बताने जा रहा हूँ 7.55 फर्मवेयर पे, वो बहुत ही जबरदस्त है, उसको अनेबल करूंगा, देन आपको गेम्स प्ले करके दिखाऊंगा इस 4 के मॉनिटर पे। तो चलते हैं स्क्रीन के जाने, लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा जेल ब्रेक है जो मैंने अपने इस प्ले स्टेशन में किया हुआ है कि इतना स्टेबल है, बहुत कम कभी कभार जाके इशू करता है, वैसे नहीं करता इशू। तो अब दिखाते हैं आपको, इसके लिए जाना होगा मुझे सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर में। अभी आपको मैं इसको एनेबल करके दिखाऊंगा एंड देन फिर हम इस पे गेम्स को प्ले करेंगे। इसकी सबसे कमाल बात यह है कि ये रीस्टार्ट नहीं करता, रीस्टार्टिंग वाला इशू इसमें नहीं है। आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपने अपने प्लेस्टेशन 4 में 7.55 फर्मवेयर पे इसको इंस्टॉल करना है। आप इसके अगर लिंक को देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा prb-borg.github.io/v3inu/, ये वाला इसका लिंक है और काफ़ी आसानी से ये आपके प्लेस्टेशन 4 में इंस्टॉल हो जाता है। आपने देखा होगा मैंने इसको 4 to 5 टाइम्स ट्राई किया है और आखिरकार ये जो है इसने पिक कर लिया। सो दोस्तों आपने देखा कि कुछ ही ट्राइज में किस तरह से ये पेलोड पेज ओपन हो गया। और अब आपने यहाँ से क्या करना है, आपने ये मिड वाला जो आपको लॉक दिखाई दे रहा है आपने इस पे आके अपने कंट्रोलर से एक्स बटन को दबा देना है और थोड़ा सा वेट करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं एक्सप्लॉइट लोडेड, नाउ लोड योर पेलोड। और दोस्तों अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो सेकंड में आपको प्लेस्टेशन के साथ लॉक दिखाई दे रहा है यहाँ पर आके अपने कंट्रोलर से एक्स बटन को प्रेस कर देना। सो गाइस आप देख सकते हैं पॉपअप आया है लॉन्चिंग पेलोड, और पेलोड जो है अब लॉन्च हो गया है, गोल हैन V1.1 लोडेड। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट अपने प्ले स्टेशन पे मोस्ट स्टेबल जेल ब्रेक को 7.55 फर्मवेयर पे एनेबल कर सकते हैं। अब जाकर हम कोई भी गेम को प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लोग हट गए हैं गेम से। अब यहाँ पे फीफा 21 को प्ले कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। Good evening, what a pleasure it is to entertain us.
Angel Di Maria on the flanks, and up front, Kylian Mbappe plays with Mauro Icardi up front. सो गाइज इस गेम को हमने प्ले करके देख लिया, मैं कोई और गेम आपको इस पर प्ले करके दिखाता हूँ। लेट्स ट्राई नीड फॉर स्पीड हीट। तो इस वक्त दोस्तों हम 7.55 फर्मवेयर पे जेल ब्रेक, लेटेस्ट जेल ब्रेक के साथ, मोस्ट स्टेबल जेल ब्रेक के साथ नीड फॉर स्पीड हीट को प्ले कर रहे हैं। इसके भी बड़े शानदार ग्राफिक निकल के आ रहे हैं। थैंक्स टू डेवलपर्स जिन्होंने इस तरह का जेल ब्रेक डिवेलप किया। इतनी जल्दी 7.55 फर्मवेयर पे जेल ब्रेक आ गया, स्टार्टिंग में स्टेबल नहीं था बट अब जो स्टेबल है, और गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट हम गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट इंटरनेट से डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें अपने प्ले स्टेशन में एंड एंजॉय करें। अब आपको मैं एक और गेम को प्ले करके दिखाता हूँ। ये फाइनल गेम होने जा रही है असैसिन क्रीड वल्हला को, अब हम प्ले करते हैं। और इसने जो है मेरे प्ले स्टेशन को थोड़ा सा लगता है हीट अप करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज इसके ग्राफिक्स क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। और यही वजह है शायद के मेरे प्ले स्टेशन के फैन जो है मुझे तेज होते हुए सुनाई दे रहे हैं। और ये इस तरह से ये अटैक करता है, तो अभी हमें जाके आसपास जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को। आपने कमेंट्स में बताना है कि प्लेस्टेशन 4 4K मॉनिटर पे किस तरह का रिजल्ट दे रहा है, लाजमी आपने बताना है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस चीज का इतना इंतजार है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।